हेलो फ्रेंड्स, दिव्या सेल्दी किचन में आज बनाएंगे इंस्टेंट रवा ढोकला। ये नाश्ते के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इंस्टेंट सूजी का ढोकला बनाने के लिए हमें सूजी लेना है, ये बारीक सूजी ली है। इसी माप से हमें दही लेना है और मकाई के दाने लिए हुए हैं। ग्रीन मसाला है जिसमें अदरक मिर्ची लहसुन की पेस्ट है, और तड़का के लिए सफ़ेद तिल और राई को मिक्स कर लिया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या आप सभी का स्वागत। अब हमें एक बाउल लेना है जिसके अंदर सूजी को ऐड करना है। अब इसके अंदर दही को भी ऐड कर देना है। अब हमें इसमें ग्रीन मसाला ऐड कर देना है और ये मकई के दाने हैं इसे भी ऐड करना है। आप इसे स्किप भी कर सकते हो, मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगेगा इसके अंदर। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बैटर गाढ़ा लगता है तो इसमें थोड़ा पानी भी यूज़ करेंगे हम। दही वाले कटोरे में ही पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हिलाकर इसके अंदर मिक्स कर देना है। बैटर को हमें जैसे इडली बनाते हैं उसी तरह से बनाना है। अब ये बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। ये सूजी का ढोकला है इसलिए अब इसे हमें 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। सूजी है तो ये थोड़ा सा फूलेगी। अब 10 मिनट हो गई है, बैटर को हम चेक कर लेते हैं। अब ये गाढ़ा है। अब सबसे लास्ट में इसमें स्वाद के अनुसार हमें नमक को ऐड करना है। इसे मिक्स कर लेना है। अब एक बड़ी चम्मच जितना इसके अंदर हमें इनो का यूज़ करना है और थोड़ा सा पानी इनो के ऊपर डाल देना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ज़्यादा फेंटना नहीं है हमें। ज़्यादा फेंटने से इसकी एयर जो है वो निकल जाती है, इसलिए हल्के हाथों से नॉर्मल इसे फेंट लेना है। अब ये बैटर हमारा रेडी है ढोकला के लिए। आप देख सकते हो इस तरह से होना चाहिए। अब हमें एक ढोकला प्लेट लेनी है जिसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है। बैटर को हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब इसे स्टीम के लिए रखना है। अब हमें इडली स्टीमर को 5 मिनट पहले ही गरम कर लेना है। ये मैंने गरम कर लिया है। अब हमें ढोकला प्लेट को इसके अंदर रख देना है। अब इसे ढककर हमें 15 मिनट के लिए मीडियम स्लो फ्लेम पर स्टीम कर लेना है। अब 15 मिनट हो गई है, हम ढोकला को चेक कर लेते हैं। अब चाकू की मदद से इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चाकू हमारा क्लियर निकल रहा है, इसका मतलब हमारा ढोकला अच्छे से स्टीम हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। अब हम ढोकला प्लेट को निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ढोकला रेडी हो गया है। इसे मैंने दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे हमें कट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली नई रेसिपीज आपको मिलती रहे। ढोकला कट करने के बाद अब हमें इसके ऊपर तड़का लगा लेना है। अब तड़का लगाने के लिए तड़का पैन को गर्म कर लिया है। इसके अंदर एक बड़ा चम्मच जितना ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल के गरम होने के बाद इसमें हमें ये राई और सफ़ेद तिल है जो मिक्स लिया था इसे ऐड कर देना है। अब हमें गैस को बंद कर देना है। तड़का हमारा रेडी है।
अब तड़के को हमें ढोकले के ऊपर इस तरह से डाल देना है। देखिए फ्रेंड्स, तड़का लगाने के बाद ढोकला हमारा कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसे हमें धनिया से गार्निश कर लेना है। ये ढोकला आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो, और कभी मेहमान आते हैं तो इंस्टेंट इसे बनाकर आप सर्व कर सकते हो। ये देखिए, आप देख सकते हो हमारा ढोकला कितना स्पंजी बना है।